नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आपको देश विदेश की तमाम खबरें दिखाने का वक्त हो गया है और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं एक बड़ी खबर कश्मीर से, साउथ कश्मीर से बड़ी खबर है। साउथ कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। त्राल एनकाउंटर में भी दो आतंकी मारे गए हैं। पुलवामा के त्राल इलाके में एनकाउंटर चल रहा था, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। शोपिया एनकाउंटर में भी दो आतंकी मारे गए हैं। तो आज साउथ कश्मीर में लगातार आतंकियों को निशाना बना रहे हैं सुरक्षा बल, और शोपिया में दो आतंकी मारे गए हैं और त्राल में भी इस वक्त सुरक्षा बलों का एक ऑपरेशन चल रहा है। त्राल में भी एनकाउंटर की खबर है। इरफान कुरैशी हमारे साथ है। इरफान, शोपिया में दो आतंकी मारे गए और अभी त्राल में मुठभेड़ चल रही है, जरा जानकारी दीजिए इसके बारे में। देखिए, पिछले करीबन कह सकते हैं हम 36 घंटे में तीन बड़ी मुठभेड़ साउथ कश्मीर में देखने को मिली, जिसमें पहली बिजबिहाड़ा में जहां पर एक हिजब का वांटेड मिलिटेंट मारा गया, उसके बाद शोपिया के इलाके में दो लश्कर के मिलिटेंट, और अब कुछ देर पहले त्राल में एक शूटआउट शुरू हुआ जिसमें फिलहाल अब तक दो मिलिटेंट्स मारे गए। ये पांच मिलिटेंट कुल मिलाकर मारे गए, जो स्थानीय कहा जा रहा है, और ये सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। ऑपरेशन ऑल आउट लगातार तेजी से आगे बढ़ते हुए इस साल भी अब तक 145 मिलिटेंट्स को ऑपरेशन ऑल आउट के तहत एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन में मारा गया है। फिलहाल इलाके में पूरे इलाके में रेनफोर्समेंट बुलाया गया है और डेड बॉडीज मिलिटेंट्स की रिकवर की गई है, और कुछ देर बाद जो ऑफिशियली इनकी जो आधिकारिक पुष्टि होगी पहचान की, वो साफ हो पाएगी। फिलहाल एक बड़ा ऑपरेशन। ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आतंक के खिलाफ भारत की मुहिम जारी है। आज सुबह शोपिया में हुए एनकाउंटर में भी सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों को ढेर किया था। ये आतंकी आम कश्मीरियों की हत्या में शामिल थे। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए। मारे गए दोनों आतंकी लश्करे तैयबा के बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इनमें से एक आतंकवादी पिछले एक साल से सक्रिय था, वो सिविलियंस की हत्या और ग्रेनेड हमले में शामिल था, जबकि दूसरा आतंकी हाल ही में लश्कर में शामिल हुआ था। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद समेत कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। जिसमें लश्कर तैयबा का दोनों टेरिस्ट मारा गया, उसमें एक टेरिस्ट पिछले एक साल से एक्टिव था, बहुत सारे सिविलियन के लिए इन्वॉल्व था, सिक्योरिटी फोर्स ग्रेनेड फायरिंग में इन्वॉल्व था, दूसरा मिलिटेंट अभी रिसेंटली ज्वाइन किया था। आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद शोपिया के चौगाम इलाके में घेराबंदी की गई थी। पुलिस और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने आतंकवादियों की मौजूदगी वाले इलाके को घेरकर तलाशी अभियान शुरू किया। जैसे ही सुरक्षा बल आतंकवादियों की छिपी हुई जगह पर पहुंचे, तो आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर हो गए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल लगातार आतंकियों को ढेर कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।